नमस्कार, मैं राणा यशवंत। आज आपको मशहूर बांसुरी वादक पन्नालाल घोष की कहानी सुनाता हूँ। चूंकि पन्नादा की कहानी के अहम किरदार जाने माने संगीतकार अनिल विश्वास रहे हैं, इसलिए पन्नादा की कहानी सुनाने से पहले अनिल विश्वास का किस्सा। अनिल विश्वास जब छोटे थे तो उनकी माँ तीर्थयात्रा पर गईं। तब सफ़र इतनी आसानी से पूरे नहीं होते थे, यात्राओं में समय लगता था। माँ जब लंबी यात्रा से लौटी तो अनिल थोड़े बड़े हो गए थे। माँ ने देखा कि बेटे के कमरे में बांसुरी रखी हुई है। वैसे तो माँ को बांसुरी से कोई परहेज नहीं था, लेकिन न जाने क्यों बेटे का बांसुरी बजाना माँ को पसंद नहीं आया। माँ ने बांसुरी उठाई और फेंक दिया। अनिल छोटे थे इसलिए माँ के इस बर्ताव का उन्होंने विरोध नहीं किया, लेकिन अपने दिल का दर्द उन्होंने पन्नालाल घोष को सुनाया। पन्नालाल घोष हमारी आज की कहानी के किरदार। पन्नादा जाने माने सितारवादक अक्षय कुमार घोष के बेटे थे। जब उन्होंने सुना कि अनिल की माँ ने बांसुरी फेंक दी है तो कहा, एक काम करो, तुम अपनी बांसुरी अब मुझे दे दो। इसके बाद से पन्नालाल घोष ने बांसुरी बजाना शुरू कर दिया और सितार बजाना छोड़ दिया। यह पन्नालाल घोष की लगन, संकल्प और काबिलियत का ही नतीजा है कि बांसुरी को इतना बड़ा मंच संगीत की दुनिया में मिला, या यूं कहिए कि बांसुरी को मंच पर लाने का श्रेय पन्नालाल घोष को गया। पंडित पन्नालाल घोष का जन्म 24 जुलाई 1911 को बंगाल में हुआ था। ये वो वक्त था जब आज़ादी की लड़ाई पूरे देश में लड़ी जा रही थी। पंडित जी बाद में खुद भी इस लड़ाई का हिस्सा रहे। पन्नालाल घोष और अनिल विश्वास में गजब की दोस्ती थी। अनिल दा कहते थे कि दोनों दो शरीर जरूर हैं, लेकिन आत्मा एक ही है। इस कमाल की दोस्ती का कारण एक यह भी था कि जब पन्नालाल घोष महज 13 साल के थे तो उनका विवाह अनिल विश्वास की बहन पारुल घोष के साथ हुआ। पारुल खुद भी एक बेहतरीन गायिका थी। पंडित पन्नालाल घोष एक बार बांसुरी के हुए तो बस बांसुरी के ही होकर रह गए। बाद में वो मेहर घराने के संस्थापक और महान शास्त्रीय कलाकार बाबा अल्लाउद्दीन खान के शिष्य भी रहे, जहां उन्होंने बांसुरी वादन की तमाम बारीकियां सीखी। कहा यह जाता है कि शहनाई के सम्राट और भारत रत्न उस्ताद बिस्मिल्लाह खान ने शहनाई को जो ऊंचाई दिलवाई, वही बुलंदी पंडित पन्नालाल घोष ने बांसुरी को दिलाई। ये पंडित पन्नालाल घोष थे जिन्होंने बांसुरी वादन में गायकी अंग की शुरुआत की। इसके बाद से बांसुरी वादन में शास्त्रीय रागों को बजाना संभव हो गया। 1934 में वो कलकत्ते के न्यू थिएटर्स में काम करने लगे। इसी दौर में उनकी मुलाकात महान संगीतकार आरसी बोराल से हुई, जो उन दिनों ऑल इंडिया रेडियो से जुड़े हुए थे। कहते हैं कि एक बार बोराल साहब ने अनिल विश्वास को रिकॉर्डिंग के लिए बुलाया था। अनिल विश्वास और पन्नालाल घोष साथ साथ गए। उससे पहले दोनों ने प्रोफेशनल स्टूडियो देखा नहीं था। उस रोज स्टूडियो के अंदर अनिल विश्वास को पसीना आ रहा था और स्टूडियो के बाहर पन्नालाल घोष को। रिकॉर्डिंग के बाद जब अनिल विश्वास स्टूडियो से बाहर निकले तो उन्होंने पन्नालाल घोष से पूछा कि तुमको पसीना क्यों आ रहा था, तो उन्होंने कहा कि मुझे इस बात की फिक्र थी कि तुम अंदर क्या गाओगे। वैसे कुछ साल बाद जब पन्नालाल घोष मुंबई गए तो अनिल विश्वास जाने माने संगीतकार के तौर पर सिनेमा की दुनिया में स्थापित हो चुके थे। फिर तो अनिल विश्वास की फिल्मों में जहां कहीं भी बांसुरी का इस्तेमाल हुआ, उसे बजाने वाले उनके जिगड़ी यार पन्नालाल घोष ही रहे। 1952 में चेतन आनंद की फिल्म आंधियां का जिक्र ज़रूरी है। इस फिल्म में बैकग्राउंड म्यूजिक देने वाले दिग्गज कलाकारों में उस्ताद अली अकबर खान, पंडित रविशंकर के साथ पंडित पन्नालाल घोष भी शामिल थे। बांसुरी में शास्त्रीयता के लिहाज से पंडित पन्नालाल घोष को ही इस बात का श्रेय जाता है कि उन्होंने एक और छेद कर उसे 7 छेद वाली बांसुरी बनाया। बांसुरी का जो प्रचलित स्वरूप आज है वो वही है। पंडित पन्नालाल घोष मंच पर कार्यक्रम प्रस्तुत करते समय 3 बांसुरियों को एक साथ रखते थे। अति मंद्र सप्तक यानी नीचे के सुरों के लिए वो मोटी बांसुरी का इस्तेमाल किया करते थे।
उन्होंने बांसुरी के साथ और भी कई तरह के प्रयोग किए, जिसमें धातु, लकड़ी और बांस की बनी बांसुरी के प्रयोग भी शामिल हैं। ये पंडित पन्नालाल घोष की महानता ही थी कि तमाम बड़े कलाकार उनको बहुत सम्मान दिया करते थे। सुर सम्राज्ञी लता मंगेशकर जैसी शख्सियत कहती हैं कि उनके साथ रिकॉर्डिंग का आनंद ही कुछ और हुआ करता था। ये भारतीय शास्त्रीय संगीत की बदकिस्मती है कि पन्नालाल घोष जैसा बड़ा कलाकार कम उम्र में ही दुनिया छोड़ गया। 1960 में दिल्ली में दिल का दौरा पड़ने से उनका निधन हो गया था। नमस्ते, मेरी रिक्वेस्ट है कि आप रागिरी के YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, हमारे इन वीडियोस को लाइक कीजिए और Facebook और Twitter के जरिए भी आप हमसे जुड़ सकते हैं। थैंक यू।